हरिद्वार में मेयर और नगर आयुक्त के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अशोक शर्मा ने कहा कि बीते दिन में मेयर अनीता शर्मा ने एक सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया था, जिसमें लोगों से अवैध वसूली की जा रही थी, जबकि नगर निगम के द्वारा उस शौचालय का ठेका ही नहीं दिया गया है। अशोक शर्मा ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के कई आरोप जड़े। जब मेयर साहब ने और पार्षद जी ने पूछा कि भाई आपकी तरफ से क्या सुविधाएं हैं, ये वो 9 लाख रुपए का ठेका लिया है ठेकेदार ने, तो हमारा नगर आयुक्त जी से यही केवल पूछना है कि नगर आयुक्त जी कृपया हमें ये बता दें, हमारी बहुत जिज्ञासा हो रही कि वो 9 लाख रुपए किसकी जेब में गए, क्योंकि आपका कहना यह है कि नगर निगम ने ठेका दिया नहीं, नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ अभी, तो नगर निगम ठेका कैसे दे देगा, जबकि ठेकेदार जाते ही बोल रहा है कि मैंने नगर निगम से ठेका लिया है। तो फिर मैं आपको प्रमाण भी दूंगा, वीडियो भी सुनाऊंगा, ऑडियो भी सुनाऊंगा, सब चीज़ सुनाऊंगा मैं आपको, है ना, मेरे पे सब कुछ है। लेकिन मैं फिलहाल तो ये पूछना चाह रहा हूं, ठेकेदार कह रहा है ना 9 लाख रुपए मैंने दिए, फिलहाल तो 9 लाख रुपए की बात है। जवाब देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि जिस शौचालय पर मेयर ने निरीक्षण किया वो नगर निगम का है ही नहीं, साथ ही नगर निगम प्रशासन नियमों के अनुसार और पारदर्शी ढंग से काम कर रहा है। मेयर प्रतिनिधि के सभी आरोप गलत हैं। जो टॉयलेट है वो यूपीडीसी द्वारा बनाया गया है, नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है, ना ही नगर निगम द्वारा किसी को आवंटित किया गया है, पहली बात तो ये है। दूसरी, जो अवैध वसूली की जा रही थी तो वो उसमें हम लोग जांच करा लेंगे और जो संबंधित विभाग है जो उसको चला रहा है उसको हम लोग लेटर लिख देंगे। और बात रही भ्रष्टाचार की, हम लोग हमारी नगर निगम की पूरी टीम, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सैनिटेशन सेल हो, चाहे वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी लोग मन से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मेयर मैम से मेरा रिक्वेस्ट है, उनके जो हस्बैंड है, कि वो एक टीम का मनोबल ना बढ़ाएं और हम लोगों को अच्छे ढंग से काम करने दें, क्योंकि अभी हम लोग चारधाम यात्रा में भी काम कर रहे हैं और हम लोग अभी कावड़ की भी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से टीम का मनोबल खराब होता है और फिर उससे कार्यशैली में प्रभाव पड़ता है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।